bus. लग गई। मैं कहाँ हूँ? मुझे बाहर आने दो, आने दो। हेल्प, कोई हेल्प करो। क्या हो रहा है? हेल्प, मैं पिघल रहा हूँ। चॉकलेट, हम वो मुसीबत में है, उसकी मदद करते हैं। हमें ये आग बुझानी होगी। आग? देखो, हम इस पानी की मदद से आग बुझा सकते हैं। मुझे देखो। ये बिल्कुल भी नहीं हिला। अब हम क्या करें? हम में इतनी शक्ति नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। मेरी मदद करो, मैं पिघल जाऊंगा। बहुत अच्छे। ओ नहीं, आ रहा हूँ। ये ठीक हो गया है। चलो चॉकलेट को बचाएं। ठीक है। अरे वाह, मैं बच गया, मैं बच गया। वू, वरना मेरा तो चॉकलेट सॉस ही बन गया था। थैंक यू दोस्तों। पर तुम लोग हो कौन? हम रंग-बिरंगी कैंडी हैं। तो तुम्हारे कलर कहाँ है? आइसक्रीम मत खाया करो, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। हाँ,
दादी, क्या आप बीमार हो? मुझे देख लो। आपकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही। दिल यहाँ पर है। हनी, आज मिमी को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है। मिमी, वैक्सीन से तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। अगर तुम बीमार रहोगी तो डॉक्टर बनकर दूसरों को इलाज कैसे करोगी? सच में? ठीक है, चलो चलते हैं। डैडी, क्या अब मेरी बारी है? जल्द ही तुम्हें बुलाएंगे। मुझे फिर कभी इंजेक्शन नहीं लगवाना। मुझे डर लग रहा है। मिमी, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू। तुम डॉक्टर हो क्या? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चोट लगी है? हाँ, चेक करती हूँ। अरे दिल तो धड़क ही नहीं रहा। दिल नहीं धड़क रहा? क्या मैं मर रहा हूँ? नहीं। रो मत, चुप हो जाओ। रुको। मुझे फिर से चेक करने दो। धड़कन सुनाई दे रही है। मिमी, मिमी, कहाँ हो तुम? मुझे जाना होगा। मिमी, कहाँ हो तुम? अब तुम्हारे इंजेक्शन लगने की बारी है। मिमी, दादी, मेरी सूंड में दर्द है। घबराओ मत, मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तुम यहीं बाहर इंतजार करो। मदद करती हूँ। मैं बैंडेज बहुत अच्छा करती हूँ। तुम एक डॉक्टर हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। एक मिनट रुको। देखो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। सच में? चलो करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ये लो, हो गया। डॉक्टर, आपने मेरी पूरी बॉडी को क्यों बांध दिया? उफ, अब तो और भी ज्यादा दर्द हो रहा है। उतारो उसे। ओ, ओ, मैं दोबारा करती हूँ। बेहतर? अभी भी मेरी सूंड में दर्द हो रहा है। मुझे पता है, तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। लेकिन उससे तुम्हें आराम मिलेगा। तुम्हें
बहादुर बनना चाहिए मेरी तरह। मैं बिल्कुल नहीं डरती। बहुत बढ़िया, तब तो तुम्हें इंजेक्शन लगवाने से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे डर लगता है। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। ओ हाँ, तुम सच में बहुत बहादुर हो। सही कहा ना डॉक्टर मिमी? डॉक्टर मिमी? हाँ मैं हूँ। तो डॉक्टर मिमी, क्या तुम इंजेक्शन लगवाओगी? हाँ बिल्कुल। बस हो गया मिमी। हो गया? मिमी तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। डॉक्टर मिमी, तुमने कर दिखाया। मैं और देर पकड़ नहीं सकता। हार मत मानो, मैं बस पहुंच गया, थोड़ा सा राइट। राइट, थोड़ा सा राइट। तुम्हें राइट लग समझ में आता है? जरूर मेरे लिए कोई गिफ्ट होगा। वाह, कितना सुंदर है। एक तो पेड़ के सबसे ऊपर है, अब हम क्या करें? कोई आ रहा है, चुपो। वाह, तुम अच्छा काम कर रहे हो, लाइट्स लगाते रहो। मैं डिनर बनाता हूँ। चला गया, चलो वहां चलते हैं। ध्यान से। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पेड़ के ऊपर लॉन्च कर दो। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट। लेफ्ट, मैंने कहा लेफ्ट। आ, 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 आ,
मेरे स्ट्रिंग लाइट्स। देखो गिर रहा है। ये तो टूट गया। हमें फिर भी इसे वापस लौटाना होगा। ताओ, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ? मम्मी बर्ड, I'm sorry. ये रहा आपका एग। हो जाऊं। वो काफी मेहनत कर रहा है। 99, 100 हो गया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। इमरजेंसी, रोबो ट्रेनिंग जारी रखो। सी हॉर्स एक प्रकार की समुद्री मछली है। वह हमेशा सीधा तैरता है, धीरे लेकिन स्थिर। वह अंडर सी टूर बस का ड्राइवर है, पर अचानक उसके पेट में दर्द हुआ और बस को बीच में रोकना पड़ा। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हम तैयार हैं। सुपर रेस्क्यू टीम, चलो चले। हम क्या करें? सुपर रेस्क्यू टीम अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखो, रेस्क्यू बस। ओह, आखिर तुम आ गए। चिंता मत करो, हमें बताओ क्या हो रहा है। इसके पेट में दर्द है, प्लीज इसकी मदद करो। जरूर, इसे चेक करते हैं अभी। ठीक है, चेक करना स्टार्ट करो। रिजल्ट आ गए। मिस्टर सीहॉर्स बीमार नहीं है, उनके पेट दर्द की वजह है। उनके बच्चे होने वाले हैं। बच्चे होने वाले हैं? सच में? ओह, बहुत बढ़िया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम हमारे बच्चों से इतनी जल्दी मिलेंगे। मेल सीहॉर्स की बेली में एक पाउच होता है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं, इसलिए मिस्टर सीहॉर्स ही है जो बच्चे को जन्म देते हैं। बहुत बढ़िया। चलो गाय और मिस्टर सीहॉर्स को चीयर अप करें। बस थोड़ा और। हाँ, तुम कर सकते हो। ला 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 ला। हमारे बच्चे।
फाइनली देखो कितने प्यारे हैं, आओ मिलकर मजे करें। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मेरे बच्चे। हाँ है, ये तुम्हारे लिए है। तुम खेलना चाहते हो प्यारे बेबी? खुशी हुई कि माँ, माफ करना, पिता और बच्चे सेफ हैं। सभी को शुक्रिया, हम आपको अंडर वाटर पार्क भेजेंगे। ओ बढ़िया। वन टू, रुको, तीसरा कहाँ है? क्या? मेरा बच्चा, बेबी, तुम कहाँ हो? बेबी, बेबी, बच्चे तुम कहाँ हो? बेबी, कहाँ हो तुम? घबराओ मत, हम बेबी को ढूंढ लेंगे। मिल गया, वो उधर। देखो, वो क्या है? ये समुद्री भंवर है। समुद्री भंवर? वो क्या होता है? समुद्री भंवर बहुत खतरनाक होता है। ये एक घूमते हुए ब्लैक होल जैसा होता है। इसमें फंसने के बाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। निकलना मुश्किल होता है? मेरा बच्चा! चिंता मत करो, हम बेबी सी हॉर्स को बचा लेंगे। किकी! आहा। ये बहुत ताकतवर है, रेस्क्यू बस पास नहीं जा सकती। हेडक्वार्टर्स में कॉल करना होगा। काका, एक नई परेशानी है, प्लीज रोबो की मरीन बस को यहाँ भेज दो। कॉपी कर लिया है, रोबो कीकी को तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज तैयार हो जाओ और अभी चले जाओ। ओके, रोबो समुद्र की किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। बस यहाँ है। रोबो, बेबी सी हॉर्स खतरनाक भंवर में फंस गया है, हमें उसे बचाना होगा। समझ गया। अच्छे से बैठो, चलो। ध्यान रखना।
चिंता मत करो, वो ठीक होगा। हम यहाँ हैं अंडर वाटर पार्क में। वाओ, ये बहुत सुंदर है। हाँ, चलो साथ में फोटो लेते हैं। बेबी, मेरा बच्चा फिर गायब हो गया। क्या? हाँ? ये क्या है? ये क्या है? बाय बाय। सुपर रेस्क्यू टीम आप रखिए सेफ। आखिर ये हो गया। तुम यहाँ हो, आओ मेरा नया इन्वेंशन देखो, सुपर रोबोट आर्म। तो ये सिर्फ एक छोटा रोबोट आर्म है या इमरजेंसी? रुको, अभी पूरा हुआ नहीं है, मुझे और बताने दो। वो खींच सकता है और काका, क्या इमरजेंसी है? स्नेल एक तरह का मोलस्क। स्नेल्स का एक मजबूत मस्कुलर पैर होता है, वो म्यूकस के सहारे खुरदुरे सतह पर रेंगते हैं। लेकिन मिस्टर स्नेल एक फूल से गिर गया और उसे चोट लग गई। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हम समझ गए, सुपर रेस्क्यू टीम चलो चले। सुपर रेस्क्यू टीम है। देखो मिस्टर स्नेल वहाँ है। छोटे हो जाओ, लैंड करो। मिस्टर स्नेल, क्या हुआ? वो मैं बस करो, तुम कर सकते हो। मैं करीब पहुंच गया हूँ। ये बढ़िया है। ओए, 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 क्या 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 हो रहा है? बस मैं इस फूल पर गिर गया, अब तो मैं चढ़ भी नहीं सकता। मैं सबसे ऊंचे सूरजमुखी पर चढ़कर सनराइज देखना चाहता था। ठीक है, इन्हें चेक करते हैं। म्याओ म्याओ। हाँ बिल्कुल, चेक करना स्टार्ट करो। Yeah.
ये रहे रिजल्ट्स। फूल के डंठल की फ्लूइड ने मिस्टर स्नेल के पैर के पोर को भर दिया है जिससे ये प्रॉब्लम हो गई। उनके पैर हैं? स्नेल का पैर एक मसल होता है जो शरीर के नीचे है। इसका पैर म्यूकस निकालता है जो इसके शरीर को सूखने से बचाता है और रेंगते समय चोट लगने की संभावना को कम करता है। म्यूकस के बिना मिस्टर स्नेल रेंग नहीं सकते और आसानी से चोट लग सकती है। फिर क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा। स्कैनिंग, चोट वाली जगह मिल गई। सुपर रिकवरी मशीन। ठीक है, हो गया। म्यूकस। नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। फ्यू, वो बहुत खतरनाक था। वाह, मुझे लगता है अब मैं काफी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब मैं वापस ऊपर कैसे पहुंचूंगा? मिस्टर स्नेल, हम आपको वहां ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, लेकिन मैं खुद को चुनौती दूंगा और गोल तक अपने पैरों से चल के जाऊंगा क्योंकि मैं एक सच्चा ट्रेवलर हूँ। ओह, सूरज तो उगने लगा है, मैं क्या करूँ? ओह, ट्रैंकी रोबोट आर्म, हेडक्वार्टर्स। काका, यहाँ एक और प्रॉब्लम है, हमारी मदद के लिए ट्रैंक को भेजो। कॉपी कर लिया है ट्रैंक, केकी को तुम्हारी मदद चाहिए, अभी चले जाओ। ठीक है, ग्रेट ट्रैंक कोई भी मुसीबत हल कर सकता है। मैं आ गया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ट्रैंक, मिस्टर स्नेल को वहाँ उस पूल पर ले जाओ। बिल्कुल, ये देखो सुपर रोबोट आर्म। शाबाश ट्रैंक। ये, ये, चलो मिस्टर स्नेल, जल्दी करो। ठीक है। Super!
कीकी। मैं ठीक हूँ मिस्टर स्नेल, आगे बढ़ो। थैंक यू कीकी। वाह, सनराइज कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। सुपर रेस्क्यू टीम, आज के लिए थैंक यू, जल्दी मिलेंगे। बाय। सुपर रेस्क्यू टीम आपको रखी सेव। ये मछलियां इतना उछल क्यों रही हैं? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अजीब बात है, क्या हो गया इन्हें? कीकी, कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी चलो। ठीक है। काका, आज सब अजीब हरकतें कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैंने देखा कि लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है। क्या इसका मतलब है कि भूकंप आने वाला है? भूकंप का अनुमान लगाना मुश्किल है। मैं इससे रिलेटेड हर चीज पर नजर रखूंगा। दूसरी बात, एक डाकिया कबूतर आज सुबह गायब हो गया है और शायद ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। हम तैयार हैं। सुपर रेस्क्यू टीम, चलो चले। नहीं, मैं खो गया हूँ, मैं किस तरफ जाऊँ? कीकी, हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं। शायद हम ज्यादा ऊंचा उड़ रहे हैं। चलो हम थोड़ा जमीन के पास चलते हैं। सुपर रेस्क्यू टीम आ गई। शुक्र है। डाकिया कबूतर, तुम यहाँ हो? क्या तुम्हें चोट आई है?
हाँ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मदद करो। चिंता मत करो, म्याऊ म्याऊ तुम्हारा ध्यान रखेगी। ठीक है, चेक करना स्टार्ट करो। रिजल्ट्स आ गए। इसके पंख में पेड़ की टहनी से खरोच आई है। लेकिन मुझे ये पैकेज पहुंचाना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटे हो जाओ। मुझे मिल गया। स्कैनिंग शुरू करो और तैयार हो जाओ। खिला सकता हूँ। वाओ, मैं फिर से उड़ सकता हूँ। वाओ, हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी दिशा की समझ में बाधा डाल रही है। हम तुम्हें अगले स्थान तक ले जा सकते हैं। रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि मुझे हुआ क्या है? चलो पता करते हैं। सैटेलाइट से कनेक्ट करो। CSES एक एडवांस्ड सैटेलाइट है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की पूरे दिन दूर स्पेस से मॉनिटरिंग करती है, भूकंप को पहचानने के तरीके बढ़ाती है। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन आज वो अलग दिखती है, इसलिए तुम दिशा भटक जाते हो। अब समझ गया। सनशाइन फार्म, सही, हम पहुंच गए। टू बेबी फ्रॉग जो मक्के के खेत के पास वाले कुएं में हैं। ओ, वहां पर हमारी मदद करो। मदद करो। ओ नहीं, मेंढक खतरे में है, चलो उनकी मदद करें। देखो कोई हमारे पास आ रहा है। पापा, क्या ये सुपर रेस्क्यू टीम है? हाय, मैं हूँ कैप्टन की सुपर रेस्क्यू टीम से। रेस्क्यू टीम, ये रेस्क्यू टीम है। हाय, मैं बेबी फ्रॉग हूँ। हाय बेबी फ्रॉग। हाँ, क्या हो रहा है? ये पानी तो बहुत गर्म है। हाँ, क्या तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? बहुत समय से ये हमारा घर रहा है, सब ठीक था, लेकिन आज पानी इतना गर्म हो गया है और ऊपर आने लगा है। ओ नहीं, ये फिर ऊपर आ रहा है। प्लीज हमारी मदद करो। चिंता मत करो, रेस्क्यू टीम तुम्हें यहाँ से निकालेगी। काका, एक और प्रॉब्लम है, हमें पायलट मोमो की मदद चाहिए। कॉपी कर लिया है पायलट मोमो, कीकी को तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज अभी चले जाओ। समझ गई, ये आई फ्लाइंग मोमो।
मोमो, रेस्क्यू बास्केट को यहाँ नीचे भेजो। मोमो, इसे ऊपर खींचो। ठीक है। मेरा घर। हम खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए। और मेरे खिलौने। खिलौने हमें फिर से मिल जाएंगे। खाना और घर भी हमें फिर से मिल सकते हैं। सही कहा। और तुम्हारे और भी दोस्त मिल जाएंगे। सुपर रेस्क्यू टीम की तरह है। मामी, ये बुलबुले हमारा पीछा कर रहे हैं। ओ नहीं, पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। हम क्या करें? क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मोमो, थोड़ा ऊंचा उड़ो, पानी ऊपर आ रहा है। ठीक है। हाय, इश, हाय, अह, हाँ। कुआं अब सेफ नहीं है। सूखे कुएं से पानी आ रहा है, ये भूकंप का संकेत हो सकता है। लेकिन कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम में बदलाव या कुछ और। क्या भूकंप का साइन हो? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कब आएगा? एकदम तो नहीं। हम मौसम को सैटेलाइट से ली बादलों की इमेजेस से पहचान सकते हैं, लेकिन भूकंप अर्थ के अंदर की गहराई से आते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी भी भूकंप का अंदाजा लगाने का तरीका अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। फिर हम क्या करें? चिंता मत करो, सुपर रेस्क्यू टीम तुम्हें सेफ रखने के लिए हमेशा तैयार है। और हम सबको चोट लगने से बचने के लिए भूकंप सेफ्टी के बारे में सीखना चाहिए, जैसे कि भारी फर्नीचर और अप्लायंसेस को नीचे रखना और हल्के वालों को ऊपर। और हमेशा याद रखे कि बरामदा और एंट्रेंस खाली हो। ठीक है। वाह, ये हमारा नया घर है। ओह, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा पैकेज। देखो, मेरे पास ग्लोब है। मैं भी सुपर रेस्क्यू टीम की तरह कोई भी समस्या दूर कर सकूंगा। सुपर रेस्क्यू टीम आपको रखे सेफ।